मिनिमम 5 लाख रुपए लेके उतरना पड़ेगा। सलून वाला काम करने लगे, नाई बन गया, इस टाइप से लोकेशन ज्यादा मायने रखता है, मायने रखता है, लोग कमा लेते हैं 25 से 30 हजार रुपए। कितना मिलता था आपको दुबई में सैलरी, इसमें क्या लॉसेस भी होते हैं? काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं। 3.5 लाख रुपए गया, 6 महीने तो मैं कुछ भी अपने जेब से ही लगाया। 2.5 लाख आपको कोर्स में लग गया, फिर मुझे जावेद हबीब से सीखने को मिला कुछ, बहुत कुछ मिला। इसका भी एक कोर्स होता है जो 6 मंथ का कर सकता है, जो 6 मंथ में क्या क्या सिखाएंगे? मेरा एजुकेशन बेस पे मैं बाहर गया था, आउट ऑफ कंट्री, तो मैं प्रोडक्शन इंजीनियर था। आई थिंक दैट जो आप कर रहे हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज के जो दौर में ना, कम टाइम में आप कितना सक्सेस है वो मायने रखता है। हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह, नेवर गिव अप इंडिया। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मेरे पूरे वीडियोस देखते होंगे। गाइस, मैं डेली वीडियोस आप लोग ले लाता हूँ नेवर गिव अप इंडिया में, ताकि आप भी कुछ सीख सके। बिजनेस रिलेटेड मैं वीडियोज लाता हूँ। आज मैं आया हूँ सलोन में, आप देख सकते हैं सलोन वी स्क्वायर, यहाँ पे आया हूँ। आपको मैं सलोन के बारे आज पूरी जानकारी दूंगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सलून अगर आप चाहते हो खोलना तो कितने इन्वेस्टमेंट से चालू कर सकते हो, ये सारी आपको जानकारी देंगे। मिस्टर विजय कुमार शर्मा जी है जो कि इस सलून के ऑनर है, वो दुबई में रह के आए हैं, वो दुबई की नौकरी छोड़ के आए हैं, 50,000 की सैलरी को छोड़ के आए हैं और ये बिज़नेस को कर रहे हैं। तो चलिए आइए, हम इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और हम उनके बारे में पूरी बात करेंगे। वो इंजीनियर हो के और हेयर कट करना कैसा लगता है उनको और ये क्यों कर रहे हैं, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। चलिए आइए, हम उनसे मिलते हैं और आगे की जानकारी लेंगे। तो मेरे साथ है मिस्टर विजय कुमार शर्मा, इनसे हम बात करेंगे। ये एक्चुअली सलून चलाते हैं, आप देख सकते हैं मैं सलून में बैठा हूँ और सलून चला रहे हैं, और ये सारी जानकारी अपन लेंगे कि सलून का बिज़नेस में कैसे आए हैं, और पेशे से इंजीनियर भी है। तो चलिए आइए, हम इनसे पूरी बात करेंगे और जानकारी लेंगे। तो सो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। तो ये विजय भाई, ये बताइए आपकी कब से ये चालू किए बिज़नेस को? एक्चुअली मैं रायपुर में तो अप्रैल 2022 से स्टार्ट किया, और ये लाइन में तो मैं 2018 से ही हूँ। अच्छा, तो आप सलून के बिज़नेस में 2018 से? तो पहले आप क्या करते थे, मतलब? पहले ये सैलून से पहले तो मैं, मेरा एजुकेशन बेस पे मैं बाहर गया था, आउट ऑफ कंट्री। हाँ हाँ, तो हम मैं प्रोडक्शन इंजीनियर था। अच्छा, प्रोडक्शन इंजीनियर था। हाँ, तो थोड़ा मैं जॉब से एकदम टायर्ड हो चुका था। हाँ, जॉब अब में थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा था। एक्चुअली कमा तो रहे थे, लेकिन लाइफ को वो इंजॉय आउट ऑफ कंट्री थे, तो जो अपने यहाँ मज़ा आया वो चीज़ वहाँ पे नहीं था, वो सुकून नहीं था, पैसे थे। तो मेरे एक्चुअली मेरे घर वाले, मेरे भाई हुए, मेरे एल्डर ब्रदर जो थे, एक्चुअली यही काम करते हैं, तो वो लोग मुझे इस लाइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोले कि ये लाइन में घुस देखो, एक बार पैसा खर्च करके देखो, अपना सैलून बनाओ। तो मैं हैदराबाद गया था, तो मेरा बड़ा भाई हैदराबाद में ही जॉब करता था। अच्छा, तो हैदराबाद में ही जॉब करते थे, तो जिस सैलून में वो जॉब करते थे मैं वही सैलून को ले लिया। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा मैं उसमें मॉडिफाई करा के अपने तरीके से रेनोवेट कराया उसको, और धीरे 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 मैं अपना लॉजिक अपनाया। उसमें नॉर्मल हेयर कट था, तो मैं उसको 150 कर दिया था, थोड़ा एसी ओसी लगा के काफ़ी अच्छा उसका लुकअप दिया उसको, सोफे वोफे डाल के। तो जैसे ही 1.5 साल अच्छा मुझे लगा, 1.5 साल, तो मैं और दुकान बढ़ाया, 1-2 दुकान और बढ़ाया, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था तब तक, 2020 मार्च तक। और उस टाइम में उसकी वजह से मेरा सैलून वलून थोड़ा सा लॉस हुआ। तो आप कितना पढ़ाई किए हैं? मेरा अभी डिप्लोमा है। अच्छा, डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन BSc है। अच्छा, तो फिर आपको चांस मिला दुबई जाने का? हाँ, अभी तो मैं रायपुर आने से पहले मुझे चांस मिला था मालदीव जाने का। अच्छा, मैं लेकिन आप फॉरेन का जॉब छोड़ के और इस टाइप से करना, मतलब मैं तो मानता हूँ यार, बिजनेस करते हैं तो लोग बहुत सारे बिजनेस करते हैं, लेकिन यही बिजनेस करना, सलून का करना, सलून थोड़ा सा अजीब है ना। अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर फॉरेन से आया हूँ तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप थॉट प्रोसेस कैसे बनाए? आई थिंक दैट जो आप कर रहे हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज के जो दौर में ना, कम टाइम में आप कितना सक्सेस है वो मायने रखता है, समझ रहे हैं ना। और आप अभी जैसे आप बोले कि मैं, आप एक इंजीनियर हो के हेयर कट, तो देखो एक इंजीनियर हूँ मैं, अपना खुद का कंपनी बनाने में इतना, मतलब इतना मेरे पास, मैं गेन नहीं कर सकता कि मैं खुद की कंपनी तैयार कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद का मालिक बन सकता हूँ। मैं अभी जो भी हूँ अपना खुद का, खुद की मर्जी की मालिक हूँ, जो करना है। तो मैं देखा वहाँ से, जैसे हैदराबाद से मुझे देखा कि यार बाल काटने में इतना मज़ा है, इतना सुकून है,
बाकी जैसे अगर हमारे पास जैसे क्लाइंट अभी हैं, काम चल रहा है, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहा है तो मैं अपने फोन से भी कुछ चीजें अपने फोन से अपने लिए टाइम दे लेता हूँ कुछ। मैं और आप खुद भी कटिंग करते हो? खुद ही, मैं पहले नहीं करता था। मैं 2018 के बाद जब लॉकडाउन लगा तो मुझे समझ में आया कि मुझे खुद सीख लेना चाहिए। अच्छा, तो मैं खुद से कोर्स किया, मैं यूपी वाराणसी से कोर्स किया। अच्छा, कितने साल का कोर्स किया? मैं वहाँ पे 6 महीने का कोर्स। 6 महीने का मतलब इसका भी एक कोर्स होता है? हाँ। जो 6 मंथ का कर सकता। हाँ। है जो 6 मंथ में क्या क्या सिखाएंगे आपको? मुझे उसमें आपको हेयर ट्रेक्चरिंग सिखाएंगे, आपको हेयर कैसे 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 किस हेयर पे कौन सा हेयर कटिंग देना है, फेस के अकॉर्डिंग कैसा हेयर कट करना है। हाँ, उसके बाद जब मुझे मेंस का आ गया तो मैं फिर ट्रेनिंग के लिए गया था, मुंबई गया था, 3 महीने वहाँ था। अच्छा, तो वहाँ से फिर मुझे जावेद हबीब से सीखने को मिला कुछ, बहुत कुछ मिला। अच्छा अच्छा, तो अभी फिर मुझे समझ में आया लेडीज़ में, तो फिर अभी मैं लेडीज़ में एंट्री लिया। तो मेरा DDU जानते ही होंगे, DD नगर। तो DD नगर में मेरा है, मतलब वहाँ पे भी कोर्स चल रहा है अभी मेरा, वहाँ पे काफ़ी कोर्स मतलब काफ़ी कंप्लीट हुआ। अभी मेरा मेकअप है चल रहा है जो, और बाकी केमिकल का जितना भी था लेडीज़ में, हेयर कट, हेयर स्टाइलिस्ट, हाईलाइट, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, जो भी है स्मूथनिंग। तो आपने एजुकेशन के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया 6 महीने में, मतलब कितना सीखने में कितना पैसा लगाया? टोटल मेरा हेयर केमिकल का 1 लाख लिए थे। अच्छा, और इसका ब्राइडल मेकअप, लाइट मेकअप, पार्टी मेकअप जो भी है। हाँ। तो टोटल मेरा जेंट्स मेल फीमेल दोनों लगभग 2.5 लाख रुपए, 2,60,000 रुपए। अच्छा, 2,60,000 आपको कोर्स में लग गया है ना। और आपने ये स्टार्टअप कितने पैसे से स्टार्ट किया? ये तो मैं इसको मैं मतलब मेरे रायपुर आया तो मेरे दिमाग में था ही नहीं, मैं सोच लिया था बिजनेस करना ही नहीं है अपने। अच्छा। को तो फिर मैं मेरा वहाँ का मालदीव का वीज़ा आया, तो मालदीव का वीज़े के लिए मुझे 2 लाख रुपए लगाना था वीज़ा के लिए। अच्छा, वीज़ा परचेज करना था। तो कई कंपनी ऐसी होती है जो कि खुद वीज़ा देते हैं, और जैसे हमें उस समय हमें जॉब की रिक्वायरमेंट था। तो लॉकडाउन से थोड़ा सा बहुत हताश हो चुके थे हम लोग, तो उस टाइम में मुझे समझ में आया, तो मैं पैसा लगाने के लिए उस टाइम पे तैयार था। तो यहाँ पे आया, रायपुर घूमा, देखा यहाँ पे अभी उतना डेवलप सभी, मतलब मैं लगभग 3-4 कंट्री गया हूँ, और बाकी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, सभी जगह मैं देखा, तो मुझे रायपुर समझ में आया कि भी डेवलप हो रहा है यहाँ, कुछ हम कर सकते हैं। तो फिर मुझे समझ में आया कि मैं अभी तो मैं खुद एक मतलब कलाकार खुद हो गया हूँ, मैं खुद हेयर ड्रेसर हो गया हूँ, तो क्यों ना मैं उतने ही पैसे से स्टार्टअप करूँ। तो मैं इसको 2 लाख का बजट बनाया था, फिर भी मेरा लमसम 3.5 लाख के ऊपर गया इसमें। अच्छा, 3.5 लाख रुपये गया 6 महीने, तो मैं कुछ भी अपने जेब से ही लगाया। अभी धीरे धीरे मेरा रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा, मेरे यहाँ काफ़ी लेडीज़ क्लाइंट काफ़ी अच्छा है। ये सैलून आप देख सकते हैं मेरा, थोड़ा सा छोटा है, 2-3 महीने में हो सकता है मैं इसको बड़ा करके 20 फीट अंदर करके इसको यूनिसेक्स। अभी आपका एक ही सैलून है पूरा? हाँ, अभी मेरा एक सैलून है, एक सैलून हैदराबाद में है जो कि वो चल रहा है गुत्ता पे, एक हीरापुर में है मेरा, हीरापुर है अपना, हीरापुर जानते होंगे, तो वहाँ पे है एक भाई चलाता है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि अगर ये बिजनेस करना है तो खुद को आना जरूरी है। हाँ, जरूरी है, है ना। तो जैसे आपने तो पैसा लगा के सीख लिया, लेकिन एक नॉर्मल बंदा कैसे करेगा, या फिर को कहीं जॉब कर लेगा पहले स्टार्ट सीखना? हाँ। बिना कोर्स किए भी सीखना सीख सकता है, उसमें टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और ये ऐसा चीज है आपके माइंड पे डिपेंड करता है। हाँ। आप कितना जल्दी आप मतलब चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो आप जैसे अब सीखने वाले तो 3 महीने में सीख जाएंगे, ना सीख और तेज तर्रार के रहेंगे तो उससे और कम टाइम में सीख जाएंगे। बस उनका कैचिंग पावर कैसा है वो चीज़ डिपेंड करता है उनपे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं साल साल दो दो साल से पढ़े रहते हैं, कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तो आप पे डिपेंड करता है, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना स्ट्रांग है वो चीज़ मायने रखता है। अभी आप इतने टाइम से इस बिजनेस में हैं, आपको क्या लगा इसमें क्या लॉसेस भी होते हैं? काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं। कैसे लॉस होता है? जैसे आपको जैसे ऐसे ही समझ लीजिए, आप खुद एक बिजनेस के ओनर खुद हो गए हैं, और आप ऐसा समझिए कि आप खुद इन्वेस्टमेंट इसमें कर दिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट कर दिए, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप जैसे आपके पास स्टाफ हैं, स्टाफ छोड़ के चला गया आपको। हाँ, तो फिर क्या करेंगे किस पे? आप तो खुद हेयर तुरंत कटिंग सीखने के लिए जाएंगे नहीं। तो मुझे हैदराबाद से ये चीज़ सीखने को मिला कि पहले खुद अपने खुद को सीख लेना चाहिए, उसके बाद ये इसमें इन्वेस्टमेंट करो। अच्छा, तो वो चीज़ मुझे हैदराबाद से सीखने को मिला कि पहले खुद इसमें अगर इंटरेस्टेड है तो पहले खुद इस लाइन में आइए। कितना मिलता था आपको दुबई में सैलरी? मुझे वहाँ 2500 दिरहम मिल रहा था। अप्रॉक्स इंडिया का कितना? इंडिया का हो जाता था 50
50-55 हज़ार पड़ जाता था। अच्छा। वो टाइम लेते थे तो 60-70 हज़ार। तो अभी अभी आप कितना मंथ का रेवेन्यू कर ले रहे हैं या पर डे का रेवेन्यू कर ले रहे हैं? अब हो जाता है, अभी तो मेरा नया बिजनेस है, फिर भी सब पूरा मेंटेनेंस खुद का अपना खर्चा सब कुछ काट के इसका ये भी रेंट पे है। हाँ, लाइट बिल काफ़ी अच्छा आ जाता है मेरा, काफ़ी अच्छा, और 2,000-2,500 के नीचे लाइट बिल नहीं है तो सब स्टाफ लोगों को सैलरी देना रहता है। स्टाफ तो को कितना सैलरी देते हो? तो उन लोग को मैं 40% देता हूँ, जितना काम करते हैं उसका 40%। ये भी अच्छा है बिजनेस में, अपन वो ला सकते हैं कि 40% दे दो आप, जितना ज़्यादा काम करेंगे उसका 40% हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये भी एक इस फील्ड में अच्छा नियम है, मतलब वो भी कर सकते हैं। तो अप्रॉक्स कितना आप अभी कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? कमा लेते हैं 25,000-30,000 रुपये आराम से प्रॉफिट निकल जाता है। और ऐसे ही अगर हम लोग इसमें, मैं एक चीज़ देखा हूँ कि इसमें एक बार चलने लग गया हाँ, तो फिर वो रोलिंग पकड़ेगा तो अच्छा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, लेकिन वो डिपेंड करता है चलाने वाले पे, वो चलाने वाले पे डिपेंड करता है। आप बार बार स्टाफ चेंज करोगे या तो फिर ओनर खुद नहीं बैठेगा तो स्टाफ, थोड़ा सा स्टाफ की वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है बिजनेस, क्योंकि वो रिस्पॉन्स नहीं देते लोग, जो स्टाफ है तो उनको अपने टारगेट से मतलब रहता है, उनको लॉन्ग टाइम फ्यूचर प्लानिंग नहीं रहता है कि चलो सामने वाला जैसे मेरा क्लाइंट है दोबारा उनको आना है नहीं आना, उनको वो उन पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन एक बिजनेस ओनर पे वो डिपेंड करता है, समझ रहे हैं? तो वो चीज़ मायने रखता है। आज हमारे यहाँ एक क्लाइंट टूट रहे हैं धीरे 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 धीरे, दो क्लाइंट धीरे धीरे, तो बिजनेस लॉस ही वही लॉसेस है। इसमें लोकेशन का भी बहुत फर्क रहता है, लोकेशन ज़्यादा मायने रखता है, मायने रखता है लोकेशन ज़्यादा मायने रखता है। और मेरे को लगता है एक दो महीना तो आपको कस्टमर आने में भी प्रॉब्लम होता है। लगभग मैं अप्रैल में इसको स्टार्टअप किया था, 3 अप्रैल को मेरा ओपनिंग था और लगभग मैं नवम्बर तक जेब से लगाया। अच्छा, अपनी जेब से सब कुछ अपनी जेब से लगाया। तो हर मंथ कितने का आपको लग जा रहा था उस टाइम? 15,000-16,000 रुपये, 15,000-16,000, 9,500 रुपये रेंट है, 9,500 इसका रेंट, 2,000 रुपये मतलब 1,500-2,000 लाइट बिल आ जाता है इसका। अच्छा, प्लस स्टाफ को देना रहता था तो उसमें सब मिला जुला के मेरा 15,000 रुपये तो चला ही जाता था। कुछ थोड़ा बहुत आता भी था, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं, थोड़ा बहुत आता था। तो आप जब दुबई से इधर आया तो क्या फैमिली मेंबर्स या कोई पड़ोसी या इस टाइप से कोई बोलता नहीं था कि ये क्या सैलून वाला काम करने लगे, नाई बन गया इस टाइप से? नहीं, कोई ऐसा मतलब ऐसा कोई जानते नहीं। मैं अभी भी जैसे कंपनी पकड़ा हुआ हूँ, मैं कंपनी में मतलब साइड में कंपनी में पकड़ा हूँ, तो मैं ये स्टील प्लांट ही है तो उसमें जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी भी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसके साथ मैं प्रॉपर बात हुआ है, मैं उनका जैसे वहाँ जैसे ये हमारे यहाँ सैलरी बेसिस पे काम करते हैं तो मैं उनके यहाँ पे इस बेस पे काम करता हूँ, जैसे जितना टारगेट रहता है टारगेट के हिसाब से कमीशन पे रहता है, तो बस उसी बेस पे है। तो पहले प्रॉपर जॉब कर रहा था लेकिन मुझे समझ में आया कि इसमें ही ज़्यादा अच्छा है, तो फिर मैं इस लाइन में उतर आया। तो अभी कैसा है फीलिंग, कैसा आपको? काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिलैक्स, मतलब एक होता है ना सुकून, वो भागा दौड़ वाली जिंदगी तो वो चीज़ नहीं है अपने पास। सुबह उठो तुरंत ब्रश करो नहाओ, खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। अभी काफ़ी रिलैक्स है और लमसम उतना उससे ज़्यादा मतलब जो सैलरी मुझे वहाँ से मिल रहा था उससे ज़्यादा मैं यहाँ से कर लेता हूँ। अगर ये कोई बिजनेस करना चाहता है तो कितने इन्वेस्टमेंट से चालू कर सकता है कम से कम? देखिए, अगर बिजनेस पर्पज़ पे उतरेंगे तो मिनिमम 5 लाख रुपए लेके उतरना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है ना, समझ रहे हैं? मार्केट में इतना कंपटीशन है कि आप सामने वाला को अगर तोड़ना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा आपको। और अगर ये बिजनेस में उतर रहे हैं, उतरना चाहते हैं हाँ, तो सबसे पहले फर्स्ट प्राइमरी आपके लिए खुद को नॉलेज होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि सामने वाला जैसे लाइक मेरे पास 2 स्टाफ हैं, हाँ मैं एक ओनर ही हूँ, मैं खुद काम नहीं कर रहा हूँ, दोनों के दोनों से बात कुछ भी हो सकता है या फैमिली उनके फैमिली मेंबर में कुछ भी हो गया, तो सडनली आप कहाँ से जाओगे स्टाफ ढूंढने? तो कम से कम आप रहोगे ओनर हो तो एक चेयर पे आप खुद खड़े होकर काम तो कर सकते हो ना, ये प्लस पॉइंट है इसका। गाइज, आप लोग इनको कांटेक्ट कर सकते हो, इनसे हेल्प ले सकते हो अगर आप चाहते हो इस फील्ड में उतरना, तो इनका मैं नंबर दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा, आप अगर इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं तो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़रूर आप ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगे इस बिज़नेस से रिलेटेड।
और मैं इनको एक छोटा सा गाइस सम्मान देना चाहूँगा, एक छोटा सा सम्मान है एक्चुअली जो आप ये काम कर रहे हो उसके लिए एक छोटा सा थैंक यू है, मैं एक क्लैप कर देता हूँ। और क्या है ना, एक रिस्पेक्ट है, एक सम्मान है और एक मोटिवेशन देने के लिए ये एक आपको मैं दिया हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है यार। मैं समझ रहा हूँ, मैं भी फॉरेन में जॉब किया हूँ, मेरे को पता है कि कितना प्रॉब्लम्स होता है वहाँ से यहाँ शिफ्ट होना। तो आपको आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे। अच्छा लगा, आप कुछ बोलना चाहते हो जो जरूर देख जरूर गाइज, मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके लाइफ में आप देखिए, खुद से स्ट्रगल करिए, और अगर कुछ भी ऐसा रहा तो आप एक बार मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और भैया अभी जैसे बोले कि दुबई क्यों छोड़ दिए, तो वहाँ पे पैसा था, भैया भी तो ऑलरेडी रह चुके हैं दुबई, हाँ तो वहाँ पे पैसा था बट क्या है, सुकून नहीं था। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना कुछ ना कुछ स्टार्टअप करिए, एक अच्छा ग्रोथ करिए, और जो भी है तो अगर आप लोग कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मिलके उनसे मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों मेरा ऐसी वीडियो देखा कीजिए, और ऐसे लोग से आपको मैं मोटिवेशन देता हूँ और आप इनसे कुछ सीख सकते हैं और ऐसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा वीडियो डेली ऐसे आता है दोपहर 1 बजे और रात को 9 बजे, आप देख सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं। अगर ये बिज़नेस करना है तो अप्रॉक्स 5 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ख़ुद की भी ट्रेनिंग रखना पड़ेगा, तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग नेटवर्क ऑफ इंडिया, बाय गाइस, सी यू सून, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इनसे कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, इनसे कॉन्टैक्ट लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेटवर्क ऑफ इंडिया। ओके।